हेलो, क्या आप जानते हो कि एक एक्सपोर्ट में स्टफिंग कैसे करना होता है और कितने टाइप के स्टफिंग आते हैं? तो वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितने टाइप के एक्सपोर्ट में स्टफिंग आते हैं और उसको कैसे कैसे करना है। मेरे आगे के वीडियो नहीं देखे हैं, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस सीरीज के आपने आगे के वीडियो नहीं देखे है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और वहां पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे और घर बैठे आप फ्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीख सकते हो। वट इज एक्सपोर्ट स्टफिंग? यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्टफिंग क्या होता है। स्टफिंग मीन्स गुड्स को कंटेनर में भरना। तो यहां पे तीन टाइप के स्टफिंग आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट्री स्टफिंग, आईसीडी स्टफिंग एंड डॉक स्टफिंग, पॉट स्टफिंग भी आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डॉक यार्ड या डॉक स्टफिंग बोलते हैं। तो यहां पे मैं डिटेल में उसके बारे में आपको बताऊंगा। यस, कोल्ड स्टोरेज, आपकी फैक्ट्री वगैरह में आप कंटेनर लाते हो, मतलब कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है, तो आपकी फैक्ट्री में मतलब कंटेनर आपकी फैक्ट्री में आप लाते हो और वहां पे कंटेनर को भरा जाता है, उसे बोलते हैं फैक्ट्री स्टफिंग। और फैक्ट्री स्टफिंग का जो परमिशन है, फैक्ट्री स्टफिंग का जो परमिशन है वो आपको कस्टम से लेना पड़ेगा, और सीए से, कस्टम हाउस एजेंट जो है, आपको फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन लेके देगा। तो आप सीए से बात कर सकते हो। अगर आपके ऐसी प्रोडक्ट है जैसे कि कोई केमिकल्स वगैरह है या कोई फ्रेजाइल गुड्स है या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल है, मोस्टली फ्रूट एंड वेजिटेबल फैक्ट्री स्टफिंग मतलब कोल्ड स्टोरेज में भरे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री स्टफिंग का आपको परमिशन लेना पड़ता है, तभी जाके आप फैक्ट्री में कंटेनर ला सकते हो और आप उसको फैक्ट्री स्टफिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है आईसीडी स्टफिंग। तो गुड्स को ट्रक में लोड करो, गुड्स को ट्रक में लोड करो और ट्रक को आईसीडी में ले जाओ। कहां पे ले जाओ? आईसीडी में ले जाओ, जिसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो। जहां पे पोर्ट नहीं होते वहां पे आईसीडी होता है। तो अहमदाबाद में भी आईसीडी है, दिल्ली में भी आईसीडी है, यूपी में भी आईसीडी है, हर जगह पे आईसीडीज होती है। तो आप आईसीडी से भी गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपकी जो भी अगल बगल की आईसीडी है वहां से आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आईसीडी स्टफिंग का सबसे बढ़िया फायदा आपको मालूम है कि आईसीडी से पोर्ट तक का ट्रेन रहता है। क्या रहता है? आईसीडी से पोर्ट तक का ट्रेन रहता है। तो आपका गुड्स आईसीडी से पोर्ट तक ट्रेन में जाएगा तो सस्ता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। उसको बोलते हैं आईसीडी स्टफिंग बोलते हैं। आईसीडी में आप देख सकते हो यहां पिक्चर में ऐसे स्टफिंग किया जाता है, जो आईसीडी में, आईसीडी के अंदर कंटेनर को भरना, उसे बोलते हैं आईसीडी स्टफिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आईसीडी से जो ट्रेन चलती है उसका जो डिपार्टमेंट है ट्रेन का, उसको बोलते हैं कॉन्कर डिपार्टमेंट। हमारे अहमदाबाद में भी आईसीडी है और मेरा जब एक्सपोर्ट होता है तो मैं रेगुलर आईसीडी का विजिट करता रहता हूँ। और हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं जो, उसको अगर परमिशन मिलता है तो उसको भी हम पोर्ट या आईसीडी विजिट करवाते, परमिशन मिलता है तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि हर किसी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती है, तो जब परमिशन मिलता है तो उसको भी हम यहाँ पे विजिट करवाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो कि कॉन्कर की ट्रेन है। उसके बाद तीसरे टाइप का जो स्टफिंग है उसे बोलते हैं डॉक स्टफिंग। क्या बोलते हैं? डॉक स्टफिंग। गुड्स को पहले ट्रक में भरो, उसको कहाँ ले जाओ? पोर्ट पे, मतलब वहां पे होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, उसे बोलते हैं सीएफएस। सीएफएस में ले जाओ और वहां पे, सीएफएस में वहां पे कस्टम क्लियरेंस होगा और वहां पे उसको कंटेनर में भरा जाएगा, उसको बोलते हैं डॉक स्टफिंग। उसको पोर्ट, मतलब आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पोर्ट स्टफिंग भी बोल सकते हो, बट मेनली उसका जो वर्ड है वो है डॉक स्टफिंग। डॉक यार्ड पे जिसको स्टफ, कंटेनर को स्टफ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डॉक स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के स्टफिंग आते हैं, फैक्ट्री स्टफिंग, आईसीडी स्टफिंग एंड पोर्ट स्टफिंग। उसके बारे में मैंने यहां पे आपको डिटेल में बताया। और कुछ भी क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड यहां पे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। और मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहां दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एंड प्लीज, वीडियो अच्छा लगा तो सबको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।